आज हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इस जो किट दिया हुआ है ये वोल्टमीटर है, ये एमीटर है, ये जो है सेट करने के लिए वोल्टेज को, ठीक है। और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो क्या है कि ओपन सर्किट है, तो इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि दो हम सर्किट बना सकते हैं, ये हो गया एक सर्किट और दूसरा जो हो जाएगा ये सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे हम ये सर्किट बनाए हुए हैं कि ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। हम यहाँ पे एक 5 ओम का 10 ओम का एक बार लिए, एक बार 22 और 23 ओम का हम रेजिस्टेंस का लिए, केवीएल में लिए। तो अब हम यहाँ पे आपको ये चीज़ कनेक्शन करके दिखा देते हैं। ये हो गया डॉटेड लाइन जो है, इसको हम शॉर्ट कर दिए और इसको निगेटिव वाला निगेटिव शॉर्ट कर दिए और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से। अब हम वोल्टेज को जोड़ रहे हैं, तो वोल्टमीटर जो है पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से और ये जो है निगेटिव वाला है जो निगेटिव से हम कनेक्ट कर दिए, निगेटिव वाला जो है निगेटिव से कनेक्ट कर दिए। अब ये यहाँ पे जो है क्या है ओपन सर्किट है, इसको क्या कर दिए हम शॉर्ट सर्किट कर दिए, इसको हम क्या कर दिए शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो ये हो गया शॉर्ट। और उसके बाद जो है एमीटर जो है यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव वाला जो है नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर दिए। अब देख रहे हम देखेंगे क्या कितना करंट मेरा पास करेगा। तो हम क्या किए कि हम सप्लाई दिए कितना 2 वोल्ट का सप्लाई दिए, तो मेरा जो करंट है वो आ रहा है कितना, जो करंट है 5 का 1 डिवीज़न है, तो ये हो जाएगा 5, 10, 15 मतलब 120 आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो करंट आ गया, तो मतलब इसके अक्रॉस जो करंट है वो कितना है 120 मिली एम्पियर आएगा। तो अब इसके जब 120 मिली एम्पियर आएगा, तो अगर मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज कर दें तो 120/1000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ये कट जाएगा 10 से 10 और ये हो जाएगा 0.01 और 2, ये हो जाएगा एम्पियर। इतना करंट जो आएगा ये मेरा टोटल करंट होगा इसका। तो हम इसके अक्रॉस क्या निकाल लेंगे, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेंगे जो कि मान लेते हैं V1 है। हम इसके अक्रॉस क्या निकालेंगे V2 निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा V2 हो जाएगा 10 ओम के अक्रॉस, ठीक है। तो हम V1 का जब वैल्यू निकालेंगे तो V1 = क्या हो जाएगा, V1 = R1 × I। तो V1 = क्या, R का वैल्यू कितना है 5 × कितना आ जाएगा 0.12, ठीक है। ऐसे ही जब हम V2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा R2 × I, तो R2 का वैल्यू है 10 × 0.12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा V1 और V2 का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम कर देते हैं क्या, ये हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 12/100। इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 × 10 अचार पचे 5 × 10 20 × 5 = 100। तो ये कट जाएगा 20, मतलब जब हम 20 मतलब एक ये हो जाएगा, तो उसके बाद जो होगा उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 10 कट जाएगा। हम इसको अगर डिवाइड, इसको अगर हम क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 × 0.2, ये आ जाएगा इतना वोल्ट। और इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 0, इसको हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं कि कैलकुलेशन कितना आएगा। तो ये जो है अपना कितना आ जाएगा 12/20, तो 12/20 करेंगे तो 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो एप्रोक्स कितना आ जाएगा अपना 2 वोल्ट के टोटल, तो टोटल कितना आ जाएगा 2 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है कि वो अपना आ गया, ठीक है।